नमस्कार दोस्तों, मैं खेम कुमार शर्मा फिर से आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। कल हमने प्रोनाउन और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा, आज हम उसके काइंड्स के बारे में बात कर रहे हैं और स्पेशली हम यहाँ बात करते हैं फर्स्ट प्रोनाउन की, जो पर्सनल प्रोनाउन है। तो देखिए मित्रों, पर्सनल प्रोनाउन जो है वह व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में तीन पर्सन्स को हम रखते हैं, तीन प्रकार के पुरुषों को उसमें समाहित किया गया है। इसमें फर्स्ट पर्सन जो है वो डिनोट करता है आई और वी को। फर्स्ट पर्सन जब हम अपने आप को, स्वयं को बताते हैं तो दुनिया में हम पहले व्यक्ति मानते हैं अपने आप को, क्योंकि हम अपने आप को प्रीफर करते हैं। जैसे आपको भूख लगी तो आप किसी को खाना नहीं खिलाओगे, आप खुद खाना खाओगे। आपको प्यास लगी है तो आप खुद पानी पियोगे, दूसरों को नहीं पिलाओगे। तो जहां हम अपने हित के बारे में सोचते हैं तो वहां अपने आप को प्रीफर करते हैं, स्वयं की बात करते हैं। जब स्वयं को आपको शो करना हो अपने आप को, तो हम अपने आप को आई, या अगर सामूहिक रूप से शो करेंगे तो वी, और हम अपने आप को प्रेफर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इससे। जब हम अपनी बात करते हैं तो नियम कानून को दरकिनार कर दिया जाता है, सभी नियमों को तोड़ा जाता है। हम अपने लिए प्रेफरेंस चाहते हैं आई के साथ। हेल्पिंग वर्ब्स में देख लीजिए एम का यूज़ होता है, हालांकि आई सिंगुलर है, फिर भी उसके साथ एम का यूज़ हो रहा है, इज़ का यूज़ नहीं होता है। आई के साथ हैव का यूज़ होता है, आई के साथ डू का यूज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं, जिस पर अपन डिटेल से बात करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो प्रेफरेंस देता है अपने आप को। जब हम अपने आप को शो करते हैं तो ऐसे में हम दो प्रोनाउन से मानते हैं, एक तो आई और दूसरा है वी। सेकेंड पर्सन जो है वो है यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और हू। फर्स्ट पर्सन जो है वो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन जो है वो लिसनर होता है, और हम जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, किसी और की बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं स्पीकर हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आई हूँ। आप सभी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप सभी लोग यू हैं, सेकेंड पर्सन हैं। अगर मैं अपने फ्रेंड हरजीत की बात करता हूँ, अपने फ्रेंड रामोताव जी की बात करता हूँ, अपने फ्रेंड अमित जी की बात करता हूँ, अपने फ्रेंड मोहन जी की बात करता हूँ, बहुत सारे मित्र हैं, तो जिसकी भी मैं बात करता हूँ, आप सबके लिए, मेरे लिए वो थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम मेरी नहीं, आपकी नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन है। फॉर्म्स ऑफ जो प्रोनाउन है उसको आपको थोड़ा समझना है अच्छी तरह से, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चा समझ नहीं पाता कि कहाँ क्या लगेगा, कैसे उसको आपको बताना है। तो यहाँ इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझिए कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में तीन प्रकार के केस को यूज किया जाता है। पहला केस है आपका नॉमिनेटिव केस, जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक जो है उसकी पोजीशन हमेशा सब्जेक्ट में होती है, वो सब्जेक्ट के अनुसार काम करता है, वो सब्जेक्ट में आएगा। ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम कर्म कारक कहते हैं, इसकी पोजीशन वर्ब के बाद आती है और सब्जेक्ट की पोजीशन वर्ब से पहले आएगी। तीसरा है आपका पजेसिव केस। पजेसिव केस की पहले बात कर चुके हैं, संबंध कारक, ये संबंध बनाता है। अब ये काम कैसे करता है एक बार हम उसकी थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन हमने लिया आई, तो नॉमिनेटिव केस जो मैंने यहाँ एन सी लिखा है इसको मतलब है नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में हम इसे आई यूज करेंगे। यही आई जब ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा तो वो मी बन जाएगा, और यही आई अगर हम पजेसिव केस में बात करेंगे तो वो माई बन जाएगा। अगर हम प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो वो माइन बनेगा। इनमें क्या अंतर रहेगा, मैंने यहाँ माई लिखा है, यहाँ माइन लिखा है, इस पर अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो को लगातार देखते रहें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। नॉमिनेटिव केस
सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, और पजेसिव प्रोनाउन जो है, पजेसिव जो केस है वो दो तरह से काम करता है, वो एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है और प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है। तो पहले हम यहाँ सेकंड पर्सन को देखते हैं, यू, यहाँ भी यू है, यहाँ योर है, यहाँ योर्स लिखा है मैंने, यहाँ ही, थर्ड पर्सन की बात कर लें, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, हर्स, दे, देम, देयर, देयर्स, इट, इट, इट और इट्स। एक ध्यान रखें कि ये जो इट्स ये है और ये जो इट्स है इनमें अंतर होता है। इसका मतलब है इट इज, और इस इट्स का मतलब होता है इसका या उसका। तो इसका विशेष ध्यान रखें, अगर आपने अपोस्ट्रोफ लगाया हो तो ये इट इज है, ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज की। Yes, friends. अब हमें समझना है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस क्या हैं, कैसे उनका यूज हम करते हैं। सब्जेक्ट को आप समझ लीजिए कि कोई नाउन फ्रेज या प्रोनाउन रिप्रेजेंटिंग द पर्सन, जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थिंग या किसी वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो उस वर्ब के एक्शन को परफॉर्म करने वाला हो, मतलब ऐसा व्यक्ति या कोई वस्तु जो कोई नाउन है या प्रोनाउन है और वो वर्ब के एक्शन को परफॉर्म करने वाला है, वो सब्जेक्ट होता है। अगर हम इस प्रोनाउन की बात कर लें तो इसमें आपका जो नॉमिनेटिव केस है, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन आपका यू, थर्ड पर्सन ही शी इट और दे, ये सभी इसमें आ जाएंगे। सेकंड हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में काम करता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो नाउन या नाउन फ्रेज या प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग, जो किसी व्यक्ति या वस्तु को रेफर करता है, दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, जो उस क्रिया के प्रभाव से प्रभावित हो। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो क्रिया के प्रभाव से प्रभावित होता है, सबसे पहले जो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द एक्शन इज डन टू और फॉर, जिस व्यक्ति के लिए, जिस वस्तु के लिए हम, जिस व्यक्ति के लिए हम कोई एक्शन कर रहे हैं या जिसके लिए कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब अधिकांशतः आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो अधिकांशतः वस्तु होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर केसेस में व्यक्ति होता है। पजेसिव केस, पजेसिव केस एक एडजेक्टिव है, एक प्रोनाउन भी हो सकता है, और अ फॉर्म ऑफ अ वर्ड या कोई एक ऐसा शब्द का रूप भी हो सकता है, दैट एक्सप्रेसेस द फैक्ट, जो इस बात को एक्सप्रेस करता है कि समथिंग बिलोंग्स टू समबडी, कि कोई चीज किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से संबंधित है, मतलब संबंध बताता है, बताने वाला। तो अब हम आगे समझते हैं कि सेंटेंसेस में इन प्रोनाउन का यूज कैसे किया जा सकता है। हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, आई टीच यू इंग्लिश, इसमें आई एक्शन परफॉर्म करने वाला है, पढ़ाने वाला कौन है, आई, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में। टीच आपका वर्ब है, अब इंग्लिश क्योंकि टीच का प्रभाव सीधा इंग्लिश पर पड़ रहा है, तो इंग्लिश
इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और यू, क्योंकि इनके लिए किया जा रहा है ये काम, तो ये जो यू है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. अब आपको थोड़ा इस बात का और ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इस सब्जेक्ट के अनुसार ही जो हम वर्ब फॉर्म्स हैं उसका निर्धारण करते हैं. इसे हम टेंसेस में बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे. यहाँ फिर भी आप थोड़ा समझ लें कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब फॉर्म, जो वर्ब फॉर्म है वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब फॉर्म प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे. इसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा गया है. इसकी बात हम विशेष रूप से करेंगे क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको विशेष रूप से करवाऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. और ये सब्जेक्ट होते हैं. ये वीडियो आज आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें. सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते रहें. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर से मैं आपके सामने आऊँगा, प्रस्तुत होऊँगा. थैंक यू वेरी मच.